हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू जितेश व्लॉग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम आए हैं बिरला मंदिर, जो कि कनॉट प्लेस के पास है, मतलब दिल्ली में है। जो लोग बाहर से देख रहे हैं इस वीडियो को, जो लोग दिल्ली के नहीं हैं, तो उनको बता देता हूँ, ये सेंट्रल दिल्ली में पड़ता है। ये बिल्कुल अपना कनॉट प्लेस और नई दिल्ली के पास में। जो बिरला मंदिर का लैंडमार्क है, ये गुरुद्वारा बंगला साहिब के पास पड़ता है। यहाँ से बिल्कुल नज़दीक ही है, आप यहाँ पे आराम से आ सकते हो। दर्शन करवाते हैं आपको यहाँ पे मंदिर के और फिर चलते हैं। ये है लक्ष्मी नारायण मंदिर का जलपान गृह। यहाँ पे मिठाई की दुकान है और यहाँ पे आप देख रहे हो काफ़ी सारे टॉयज वगैरह हैं और चश्मे, पर्स, ये सब मिल रहा है सामान। तो बिरला मंदिर आप देख रहे हो काफ़ी विशाल और बड़ा मंदिर है। एक बार आप आना यहाँ पर। मैं बहुत पहले एक बार आया था, लेकिन उस समय रात को आया था। यहाँ धर्मशाला भी है और मेरे साथ मेरी वाइफ हैं और मेरा बेटा भी है। शिवाय हेलो कर दो सबको। हेलो बोला। हेलो तो दोस्तों, ये है मंदिर के अंदर। तो कैमरा ले जाना अलाउ नहीं है, तो आप यहाँ से देख सकते हो। ये मंदिर के जस्ट बगल में ही एक बहुत अच्छा पार्क है और पार्क के अंदर आप देख रहे हो बच्चों के लिए बहुत अच्छे अच्छे यहाँ स्टैचू बने हुए हैं, हाथी वगैरह बने हुए हैं। तो यहाँ से आप थोड़ा सा मंदिर देख सकते हो। हालाँकि अंदर मोबाइल और कैमरा ले जाना अलाउ नहीं है। इतनी खास रिस्ट्रिक्शन तो नहीं थी, लेकिन अलाउ नहीं है तो नहीं है। मैंने अंदर से कोई भी वीडियो नहीं रिकॉर्ड किया, इसलिए आपको बाहर से दिखा रहा हूँ। यहाँ से भी एक एंट्रेंस है, इधर से भी हो सकता है कि जब मंदिर में भीड़ होती होगी तो लोग इधर से जाते होंगे। और यहाँ पे एक पार्क है, पार्क में हवन कुंड बना हुआ है। और भी क्या क्या चीज़ें हैं पार्क में वो देखते हैं। और अभी ट्राई करते हैं, अगर बुद्ध भगवान का मंदिर खुला होगा तो वहाँ भी चलते हैं। तो ये है दोस्तों हवन कुंड, और यहाँ पर कोई सज्जन जो है पूजा करवा रहे हैं। तो हम चलते हैं दूसरी तरफ। पीछे भी वाटिका बनी हुई है, यहाँ पे वाटिका में दिखाते हैं आपको क्या चीज़ें हैं। वहाँ पे भी काफ़ी बच्चे वगैरह घूम रहे थे, तो ये एक नज़ारा मैं यहाँ से आपको दिखा देता हूँ। ये तो ये है मंदिर की वाटिका, बाग द्वार। तो चल रहे हैं बाग द्वार के अंदर, देखते हैं बाग में क्या क्या चीज़ें बनी हुई है। अच्छा, इधर ये पार्किंग भी है भाई, इसका रास्ता पता नहीं किस तरफ से आने के लिए। अच्छा, यहाँ पे नहर भी बनी हुई है भाई, वाह भाई वाह। तो ये मंदिर का बैक साइड है दोस्तों, तो यहाँ दर्शन करने तो आपको आना, आओगे तभी अंदर से आप देख पाओगे। बहुत सुंदर सुंदर प्रतिमाएं हैं और साफ साफ लिखा हुआ है कि वीडियो बनाना मना है। ये पार्किंग है, यहाँ पे एक पीछे साईं बाबा की दरबार है जो सामने आप देख रहे हो। अंधेरा हो चुका है, अच्छा लग रहा है, काफ़ी बच्चे खेल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो ये पीछे से ना कार का रास्ता है पार्किंग का। यहाँ पे एक गुफा बनी हुई है बहुत सुंदर, और ये एक मंदिर का नज़ारा आप देख लो। यहाँ पे शाम होने वाली है तो अंधेरा हो जाएगा, जितनी रिकॉर्डिंग कर सकते कर लेते हैं अभी। काफ़ी बड़ा है, धर्मशाला बनी हुई है पीछे, पूरी बहुत बड़ी गुफा बनी हुई है। शेर के नीचे से भी जगह जा रही है, और आप देख रहे हो ये गुफा ही पूरी पहाड़ जैसा जो आपको दिख रहा है, ये पूरी गुफाओं से भरा बना बड़ा बना हुआ है। और पीछे भी यहाँ पे गेंडा भी बना हुआ है, शिवाय का फेवरेट है गेंडा। इधर भी शेर बने हुए हैं, प्रतिमाएं बनी हुई हैं, मंदिर बने हुए हैं। यहाँ पे लॉयन बना हुआ है बहुत बड़ा, तो शिवाय को लॉयन देखना है। और यहाँ कैमल भी बना हुआ है, बच्चे कैमल के ऊपर चढ़े हुए हैं। शिवाय बैठा हुआ है कैमल के ऊपर और डर रहा है। शिवाय डर लग रहा है, हैं? तो अंधेरा हो चुका है और अब वीडियो जो है क्लियर नहीं आ पा रही है। तो इधर कैमल बना हुआ था और यहाँ पे बना हुआ था शेर लॉइन, और ये मंदिर है। और इधर ये गुफा का रास्ता यहाँ से पूरा जा रहा है, इधर भी एक एलिफेंट टाइप का कुछ बना हुआ है। ये गुफा का रास्ता है आप देख रहे हो, तो गुफा काफ़ी बड़ी है, अंदर से ताले लगे हुए हैं इसमें, शायद कोविड की वजह से बंद होगी।
तो ये बना हुआ है यहाँ पे एक गेंडा, जाओ गेंडा देख लो बेटे। शिवाय गया गेंडे को देखने, शिवाय जा रहा है गेंडे को टच करने के लिए। जाओ छू लो, कोई बात नहीं, गाल छू लो इसका, गाल छू लो, छू लो छू लो छू लो। ये इसका फेस है बेटे, ये मुंह है इसका गेंडे का, ये पैर है इसके, लेग्स। हाँ इतना बड़ा है ये, आ जाओ, चलो ईयर्स है इसके। तो दोस्तों मंदिर के पास ही, बिरला टेंपल के पास ही ये बहुत ही सुंदर चर्च है, और आज मैं पहली बार इस चर्च में आ रहा हूँ। ये बिल्कुल अपोजिट साइड है, जो बंगला साहिब है उसके अपोजिट साइड है। तो तीनों जगह पे आप विजिट कर सकते हो, आपको सिर्फ एक से डेढ़ घंटा दो घंटे लगेंगे मैक्सिमम। ये इसका गेट है, और आप पार्किंग जो है, अगर आप गाड़ी से आ रहे हो बंगला साहिब पार्किंग करके, और आप पैदल पैदल आ सकते हो यहाँ पे, बहुत ही आसान है पैदल, हार्डली 200-300 मीटर की दूरी पे है ये। तो अंदर चलते हैं, दिखाते हैं चर्च के अंदर आपको। तो दोस्तों जैसे ही हम अंदर आए हैं गेट से, यहाँ पे लिखा हुआ है 10 रुपये पर पैकेट और 2 रुपये पर कैंडल। तो आपको यहीं पे अपना डोनेट कर देना है, इसके अंदर कोई है बैठा हुआ नहीं है यहाँ पे, और अपनी श्रद्धा से अगर आप 2 रुपये में भी एक कैंडल जला सकते हो या पूरा पैकेट है। तो हमने 2 पैकेट लिए हैं और अभी जलाते हैं यहाँ पे भगवान के सामने। शिवा यहाँ पे बलून मांग रहा है कि भगवान जी के आगे बहुत सारे बलून लगे हुए हैं। ये है मारिया भवन, और हमने तो बाइक भारी खड़ी कर दी थी, लेकिन आप यहाँ अंदर तक लेके आ सकते हैं। आई थिंक कार से भी आप आ सकते हो सीधा सीढ़ियों तक, और काफ़ी सुंदर। अगले महीने क्रिसमस आने वाला है, चप्पल निकालो। काफ़ी लोग बैठे हुए हैं, 7 बजे ये बंद हो जाता है दोस्तों। प्लीज़ स्विच ऑफ योर मोबाइल, तो मोबाइल फ़ोन अंदर अलाउ नहीं है। मैं यहीं से जितना दिखा सकता हूँ दिखा दूंगा आपको। अंदर प्रेयर चल रही है, इतना ही आ पा रहा है बस। तो आपको पता है ना, फ़ोन तो अलाउ होते ही नहीं है कहीं भी, कैमरा अलाउ होते नहीं है। तो ये पूरा नज़ारा यहाँ से आए हैं, आप आना बहुत अच्छा लगेगा आपको, यहाँ पर आके शांति मिलेगी। तो अभी घर पर आ चुके हैं फ्रेंड्स, और वीडियो को घर से एंड करूँगा। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर अब ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। और इंस्टाग्राम पे जो लोग भी मुझसे बात करना चाहते हैं वो लोग इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो इंस्टाग्राम पे मैं एक्टिव रहता हूँ काफ़ी। चलिए बाय बाय, टेक केयर। बोलो शिवाय लाइक कर दो, बोलो सब्सक्राइब कर दो, और बेल आइकन भी प्रेस कर दो। ये चलो फ्रेंड्स, फिर आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।